हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नए दिन की नई शुरुआत देव बलूच ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग गई अपने काम। अच्छा, चाय बन चुकी है। जिदान बिना चाय पिए चला गया। मगर क्यों? क्योंकि मुझे हो गया था लेट, इतना थक गए थे। और बाहर चालू है बारिश, देखिए कितनी अच्छी बारिश चल रही है। बच्चा मेरा बिना छाते ही चला गया है। घर में तो पूरे कपड़े सूख रहे हो गाइस, बने रहे ना। आपको कहा था ना, हमारे घर में अभी फंक्शन शुरू होने वाला है, तो होने वाले ये छोटे मोटे फंक्शन। अरे छोटे मोटे बोल के बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप कंटिन्यू रहना, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। तो छोटे मोटे ब्लॉग के साथ में, छोटे मोटे घर के काम के साथ में, छोटे मोटे फंक्शन के साथ में हम लोग आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। और मिस ना करना, कंटिन्यू रहना और फंक्शन अटेंड करना। क्या है क्या नहीं सब बताऊंगी आपको। पहले भी कहा था घर में शादियां शुरू होने वाली है, तो घर में तो हमारी अभी ऑलरेडी 2 शादी शुरू होने वाली है। और बच्चे और चालियों में भी अभी शादियां शुरू होने वाली है। जामनगर जाना है सोच रहे हैं ऐसा, देखिए क्योंकि घर में शादी है भाई, यहाँ भागे वहाँ भागे कहाँ भागे। तो मिलते हैं आपसे आगे धमाल चौकड़ी के साथ में। चलो कंटिन्यू रहे यहाँ, क्योंकि फैन बहुत आवाज़ कर रहा है, बाकी काम निपटाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे अपने पराठे तैयार है, देना है बच्चों को नाश्ता और साथ में पकाने की भी तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े धो के मैंने हटा दी हूँ। और यहाँ चाय गर्म हो रही है गाइज, यहाँ पूरा देखो बेल के रखी हूँ आप देख सकते हैं। और घी मैंने ले आ चुकी हूँ कि घी खत्म हो गया था ना, तो यहाँ पे मेरी पकाने की साथ में तैयारी भी शुरू है। चिकन मैंने धो के रख दी हूँ आप देख सकते हो। और जिदान को दे रही हूँ मैं नाश्ता। जिदान इधर इसको निला रहे ना, कितना मारम तोड़ी, झगड़ा चालू है दोनों का। सो पकड़ लिया ब्लॉगर भैया को। अरे बाबा किधर पकड़ लिया। स्नो सुकून से नहा लेना, कितना गंदा तबीयत खराब है तेरी, थोड़ा नहा ले उधर। जेंडर चेंज क्यों कर रहे हैं? करा ली बेस्टी। ब्लॉगर भैया का सामान पकड़ लिया। भाई सुन हो गए, भाई आप सुन हो गए है कि नहीं दुनिया में? भाई आप दुनिया में हो कि चले गए? स्नो अंदर से आवाज दे रहा है, आस्ते आस्ते उठ के जा। अल्लाह रच हुआ हो गया, बाप रे कितने दिनों के बाद नहाया। इसका मुंह धोया कि नहीं? हाँ हाँ साफ हो गया रे लड़का। गाइस देखो कौन आया है, किधर हो आप, किधर है फातिमा, दिख नहीं रहे हो? हाँ बम पे लग गया। मैं बोली फातिमा लोग घर छोड़ के चले गए, लगता कोई भी नहीं दिख रहा है, ना छोटा गुड्डू लाल दिख रहा है, ना शनाइला, फातिमा, इफ्रा, कोई नहीं। ए शैतान का नाम लो, शैतान आजीद। अरे टटोड़ा भी आई है। ए मेरा पैसा दे दो। अच्छा ये तो बम मार रहा है, ये बाप झगड़ा देख। हाँ वो अभी नहाया है ना, वो गीला करेगा ही थोड़ा। तार अटेड़ा है। ए तुन ना, अरे तुन तो ए तो से धर में। अरे बच्चा गिर गया। अरे टटोले उसे ना आई है ना, अभी इसका मगज काम नहीं करेगा बेटा। तो गाइस देखो जियान आया, क्या खा ले अम्मा, मेरा छोटा गुड्डू लाल टमाटर खा रहा है आगे दांत तेरे पूरा खदा रे बाबू, निकल मुझे ए लड़के, गंदा बच्चा, चल गंदुड़। और तू रोटी बनाना चालू करी, रख जल्दी मेरा आटा, जल्दी रख दे, काम नहीं पड़ाना तुम लोग आके, मैं बहुत परेशान हूँ ऐसी काम से। हाँ क्यों, क्या क्यों, नहीं नहीं
तो गाइस यहाँ पे देखो मेरा सालन भून रहा है और मैंने उसके अब तो नाश्ता बना के दे रही हूँ। ये नमाज पढ़ने गए थे, टाल लग गया अपने काम पे। यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, चावल बन चुका है और मसाला मैं भून रही हूँ। सुनती हूँ आगे आपको। गाइस देखो अपना सालन उभर रहा है, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और मतलब इतने जोश में, ये जोश शिलो एकदम स्लो हो गया है, तो देखी तो बाटला चला गया है। वाह, पास में रखी हूँ और गया, क्या करूं। और मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, बुक कैसे करूं। इसके अबू कहते कि मैं अभी कल बैलेंस कराऊंगा, तो अभी तो झोल ढूंढना पड़ेगा किसी के पास भी बाटला। चलो जब तक ये स्लो पे पक रहा है मैं ढूंढ के आती हूँ बाटला। तो गाइस देखो बाटला अभी थोड़ा फास्ट हुआ है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा हिलाई हूँ, थोड़ा लिटाएंगे तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा शायद। ये देसी जुगाड़ है, हम लेडीज का जुगाड़ के साथ जिंदगी चल रही है। तो गाइस यहाँ पे मेरा सालन बन चुका है, माशाल्लाह जरूर बोलना। चावल भी बन चुका है और सब चले गए हैं बाहर, पूरा काम हो चुका है। भाई साहब कर रहे हैं होमवर्क, ओहो मराठी का राइटिंग सिदारा भैया। और ये देखो नहा धो के घड़े गधे घोड़े बेच के सो गया, इसको ठंडी लग रही थी, गर्म हो गया। तो ये सारे काम मेरे हो चुके, देख रहे हैं। अब बारिश जाके रुकी है ना, तो थोड़े कपड़े मैंने बाहर डाल रही कि हवा लग जाए, बारिश होगी तो उठाना ही पड़ेगा। तो आपसे मिलती हूँ आगे ये सारी चीज़ें निपटाने के बाद। तो गाइस वो कपड़े लपेट के भी हो चुके हैं मेरे, और यहाँ पे कपड़े पूरे सुखा के हो चुके क्योंकि बाहर बारिश जैसा लग रहा था, तो थोड़े कपड़े मैंने अंदर डाल दिए और थोड़े बाहर सूख रहे हैं। बारिश आएगी फिर उठाना पड़ेगा। देखो ज़्यादा वाइट कपड़े थे, पता है इतना गंदा करके आए थे इन लोगों ने वाइट कपड़े। मैंने कुछ नहीं पहना वाइट कपड़ा। हाँ वो अबू का है, तो वो मोइन भाई का है, मेरा नहीं है, मेरा कोने कोने तक वाइट दिखेगा ना। हाँ क्योंकि इतना काला करके रखता है ना, कोने कोने तक वाइट ही नहीं दिखेगा बेटा तेरा ना जीदा। चलो अब खाना खा लो तुम, हम नमाज पढ़ के मिलते हैं। तो गाइस देखो बारिश आ गई है, पूरे कपड़े उठाने पड़ेंगे वरना ये बेचारे निखरे हुए कपड़े मेरे ना पूरे गीले हो जाएंगे। बापरे बापरे क्या बारिश का तमाशा है। स्टेशन पे इतनी गर्मी है, सब सामान यहीं पे मिलता है। ये गोरेगांव स्टेशन की तरह है।